खाते। राम कुछ हंसकर प्रसन्न हो उनकी पूजा लेकर चले गए। परंतु नित्यता जिनकी है, लीला भी उन्हीं की है, जैसे छत और सीढ़ियां। ईश्वर लीला, देव लीला, नर लीला, जगत लीला। नर लीला में ही अवतार होता है। नर लीला कैसे है जानते हो? जैसे बड़ी छत का पानी नल से जोर शोर से गिर रहा हो, वही सच्चिदानंद है। उन्हीं की शक्ति एक रास्ते से नल के भीतर से आ रही है। केवल भारद्वाज आदि 12 ऋषियों ने ही राम को पहचाना था कि ये अवतारी पुरुष है। अवतारी पुरुष को सभी पहचान नहीं सकते। श्री कृष्ण मणि सिंह वे अवतीर्ण होकर भक्ति की दीक्षा देते थे। अच्छा, मुझे तुम क्या समझते हो? मेरे पिता गया गए थे, वहां रघुवीर ने स्वप्न दिखलाया। मैं तेरा पुत्र बनकर जन्म लूंगा। पिता ने स्वप्न देखकर कहा, देव मैं दरिद्र ब्राह्मण हूं, मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूंगा? रघुवीर ने कहा, सेवा हो जाएगी दीदी। हृदय की माँ पुष्प चंदन लेकर मेरे पैर पूछती थी। एक दिन उसके सिर पर पैर रखकर मैंने कहा, तेरी वाराणसी में ही मृत्यु होगी। मथुर बाबू ने कहा, बाबा तुम्हारे भीतर और कुछ नहीं है, वही ईश्वर है। देह तो अनावरण मात्र है, जैसे बाहर कद्दू का आकार है, परंतु भीतर गुदा बीज कुछ भी नहीं है। तुम्हें देखा मानो घूंघट डालकर कोई चला जा रहा है। पहले ही से मुझे सब दिखा दिया जाता है। पटतले में मैंने गौरांग के साथ संकर्तन का दल देखा था, उसमें शायद बलराम को देखा था और तुम्हें भी शायद देखा था। मैंने गौरांग का भाव जानना चाहा था। उसने दिखाया उस देश में श्याम बाजार में पेड़ पर और चार दीवार पर आदमी ही आदमी, दिन रात साथ साथ आदमी, सात दिन शौच के लिए जाना भी मुश्किल हो गया। तब मैंने कहा, माँ बस अब रहने दो, इसलिए अब हम शांत हैं। एक बार और आना होगा, इसलिए पार्षदों को सब ज्ञान मैं नहीं देता। हंसते हुए, तुम्हें अगर सब ज्ञान दे दे तो फिर तुम लोग सहज ही मेरे पास क्यों आओगे? तुम्हें मैं पहचान गया, तुम्हारा चैतन्य भागवत पढ़ना सुनकर।